मोदी जी को 10 लेटर लिखता हूँ। जब अक्ल बट रही थी मोदी जी लास्ट में थे, अक्ल उनके काम आई नहीं, क्योंकि 800 करोड़ का बिल है ट्रैवल का। उनको ये नहीं मालूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के ट्रेजरार थे, डोनेशन लेते थे, जैसे लोग अब हैं ऐसे ही पहले थे। लोगों ने उड़ा दिया, रहे तो बड़े पैसे कमा रहा। उनके कानों तक बात पहुंची, बोला भैया मैं पैसे नहीं लेता। मीटिंग बुलाई, पूछा भैया पैसे कमा के आदमी क्या करता है? अजी करता क्या है, मकान बनवाता है। बोले मैं वचन देता हूँ मैं कोई मकान नहीं बनवाऊँगा। आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल के मकान का एड्रेस दे दो, दिल्ली में, बम्बई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। उस बंदे ने आधे कमरे का मकान नहीं बनवाया। मोदी जी उनकी मूर्ति पे 6000 करोड़ खर्च करके आए हैं। हम बनाने में असमर्थ हैं, ऑर्डर गया चाइना को। किस लिए? ये मूर्ति मोदी जी ने बनवाई थी। मोदी जी कुतुब मीनार की जगह मोदी मीनार बनवाओ, ताजमहल की जगह मोदी महल बनवाओ, भारत माता की मूर्ति बनवाओ माउंट एवरेस्ट पे। पब्लिक के पैसे बर्बाद करने तो शर्मा जी से पूछो, कहाँ आपको जनादेश है कि आप 6000 करोड़ की मूर्ति बनाओगे? क्या पिछले 72 साल से हम बिना मूर्ति के जिंदा नहीं हैं? सरदार पटेल ने अपने ज़िंदगी में एक आदमी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, उनकी मूर्ति ने 30 गाँवों के 10000 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। कैलकुलेशन करके भेजा शर्मा जी, मैंने कहा जी ये मेरी कैलकुलेशन है, 137 साल लगेंगे इस मूर्ति की कॉस्ट रिकवर करने में। नहीं जी ये टूरिस्ट सर्किट है, टूरिस्ट सर्किट कैसे, वो है ही नहीं। सिंगापुर छोटा सा है, इंडिया इतना बड़ा है, सिंगापुर में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। मैं टूरिस्ट डिपार्टमेंट में गया, अरे शर्मा जी आपको नहीं मालूम? नहीं, आप शिमला जाइए, बस से उतरिए, एक बैग आपके पास है, कुली मांगेगा 1000, दूसरा कुली आएगा नहीं। बोला सिंगापुर में ऐसा टेंशन नहीं है। लक्ष्मी जी चाइना से, गणेश जी चाइना से, होली की पिचकारी चाइना से, दिवाली की लड़ चाइना से। चाइना की होती है दिवाली, हमारा होता है दिवाला। 700 करोड़ कमा के जाता है। रक्षाबंधन की राखी चाइना से, चांदनी चौक की मुस्लिम फैमिली साल भर रक्षाबंधन की राखी बनाती थी, उनका जीवन यापन होता था। अब रक्षाबंधन की वो भी चाइना से आ रही हैं। सरदार जी मैंने कहा जी हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सरदार जी बैठे थे, शर्मा जी हम खाली बच्चे पैदा करेंगे, बाकी सब चीज़ चाइना से आएगी। मैंने कहा बच्चे पैदा करने वाली इंडियन चलेगी या वो भी चाइना से आएगी? आपको कुछ आइडिया नहीं है, मनुष्य जीवन इस धरती पे सिर्फ 100 साल बचा है। प्रकृति को 1 मिलियन ईयर्स, 10 लाख साल लगे थे वायुमंडल में CO2 का लेवल 200 ppm करने में। आदमी ने 100 साल में 420 कर दिया है। 3 साल से साउथ अफ्रीका में बरसात नहीं हुई है। जो खिलाड़ी गए थे भैया महाराजा टॉयलेट में पानी नहीं है। हिमालय के ग्लेशियर पिघल चुके हैं। राजस्थान में तापक्रम 54 डिग्री सेंटीग्रेड। BSF के जवान रेत में पापड़ भून रहे थे। लातूर, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, 100 एकड़ का मालिक घर पे ताला लगा के जा रहा है। भैया कहाँ जा रहा है? कह जी शुगर मिल में झाड़ू मारूंगा। क्यों? वो जी 100 एकड़ का क्या करूँ, बरसात हुई नहीं, पानी है नहीं। पिछले साल जब ओलंपिक हुए थे चाइना में तो उन्होंने कहा ये बरसात हमारा फंक्शन ख़राब ना कर दे, तो उन्होंने सिल्वर आयोडाइड स्प्रे करा के बादलों में आर्टिफिशियल रेन कराई थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कल 30 करोड़ अलॉट किए आर्टिफिशियल रेन के लिए। हम कुछ जानना नहीं चाहते। समुंदर का लेवल 3.5 फुट बढ़ेगा, लाखों लाख केरल के लोगों को कहाँ बसाओगे? हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्टिक की बर्फ़ पिघल चुकी है। जब आग लगेगी, जब कुआं खोदोगे, बहुत सारे आप, मैं आता हूँ जंतर मंतर, जो नई पीढ़ी है उसे 3 ही बात करती है, मैनू की, तैनू की, सानू की। मुझे क्या, तुम्हें क्या, हमें क्या, गवर्नमेंट का काम है। हम दुनिया में सबसे उल्टे क्यों हैं? स्वीडन ने कल $100 का सरचार्ज लगाया है एयर ट्रेवल पे। फिनलैंड ने बैन कर दिया, कोई हवाई जहाज से नहीं जाएगा। यूरोप में कार्बन क्रेडिट एविएशन के लिए पूरे साल आप एक स्टाफ फ्लाइट नहीं ले जा सकते। क्यों? जो हवाई जहाज से जाता है 50 गुना ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करता है, 50 गुना ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। हम दुनिया में उल्टे क्यों हैं? धरती गर्म हो रही है, सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे देश पर पड़ेगा। मैं बता चुका हूँ ऐसा कहीं भी नहीं है।
न्यूक्लियर बैन कर दिया। 3 Mile Island वो हुआ था एक्सीडेंट अमेरिका में, 30 साल से वहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। जर्मनी ने बैन कर दिया, स्वीडन ने कर दिया। आप गूगल पे जाओ, चेर्नोबिल टाइप करो, CHERNOBLE, दुनिया की सबसे महंगी इमारत यूक्रेन में बन रही है, जब इससे महंगी इमारत आज तक बनी नहीं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट को कवर करने को। हम न्यूक्लियर के पीछे भाग रहे हैं, हम एयर ट्रेवल के पीछे भाग रहे हैं। मैं क्या क्या बताऊँ आपको, सरिता विहार चलो, हर दूसरे घर में एक कैंसर पेशेंट है। मैं रविशंकर प्रसाद के पास गया, जर्मनी से डॉक्यूमेंट लाया। किसी भी देश में आप जाके कह सकते हो, भैया बताओ यहाँ कितना रेडिएशन है, हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। रविशंकर प्रसाद बोले पर्सनली आके मिलना। अबे मेरे लड़के की शादी है, मैं पर्सनली मिलूँ? हम वहाँ लो कॉस्ट रेडिएशन लगानी है। मैं उनके पास गया, टावर वालों के पास, अरे शर्मा जी 10 टावर, 30 सिक्योरिटी वाले, 30 ऑपरेटर, 10 जनरेटर, सबकी छुट्टी करके एक टावर लगा दी। भैया आप लोग 1000 गुना रेडिएशन टॉलरेट करने को मजबूर हो। डॉक्यूमेंट है मेरे पास जयपुर और बम्बई, जब से ये टावर लगी 6 लोग कैंसर से मर गए। कोई जानना ही नहीं चाहता रियलिटी, ना जो टॉप पे लोग हैं उनको कुछ अक्ल नहीं है, ऐसे लोग रिक्रूट करें। मैं जाता हूँ बताने, मैं IIT से पढ़ा हूँ, लंदन से पढ़ा हूँ, डॉक्यूमेंट लाता हूँ, लेकिन यहाँ कोई अक्ल वाले की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मोदी जी क्यों 800 करोड़ खर्च करते हैं ट्रेवल पे? पता नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है? 6000 करोड़ मूर्ति पे, गरीब देश का पैसा। 3 साल का बच्चा रोड पे पेन बेच रहा है, अरे 6000 करोड़। भाई हमें आज़ाद हुए आज 70 साल हो गए, दुनिया के 40% अशिक्षित मेरे देश में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटर था, ईच वन टीच वन। दुनिया के 55% कुपोषित बच्चे मेरे देश में रहते हैं। क्यों? आदमी माँ के पेट से होगा पैदा होगा कि आम के पेड़ पे लगेगा? 52% फीमेल आर एनीमिक, नई पीढ़ी स्वस्थ कैसे पैदा होगी? गुड़गांव में रहता हूँ, 40 Hospital में एनीमिया क्लिनिक खुलवाया है, डॉक्टर राजेश भार्गव इंचार्ज है। इतना दुख है आपको बताते हुए, गुड़गांव में 76% गर्ल्स आर एनीमिक, 76% लड़कियों के बॉडी में 3 से 5 ग्राम खून है। इस पर कौन काम करेगा? कोई मेरे चुप करा देते हैं। शर्मा जी ये डिस्कशन नहीं है। क्यों नहीं है? खाली हम नीरव मोदी डिस्कस करते रहे। मैं आपको मलेशिया का बताता हूँ। एक आदमी ने अखबार में पढ़ा कि हमारी गवर्नमेंट पे इतना लोन है, ऑर्डिनरी आदमी, कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था, उसकी कटिंग लेके वो घर घर गया, लोगों को बताया, चंदा इकट्ठा किया, मिनिस्टर को दे के आया कि भाई ये सरकार ये लोन उतारो गवर्नमेंट का। एक हमें नीरव मोदी सरकारी पैसा लेके भाग गए, मेहुल चौकसी सरकारी पैसा, कितना अंतर है हम में। मलेशिया का ऑर्डिनरी आदमी चंदा इकट्ठे करके लाया लोगों से और गवर्नमेंट का फॉरेन लोन उतारा। यही मैं कह रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाओ। मुझे रोक लेते हैं लोग कभी, मैं डरता नहीं हूँ भाई। मैं नई पीढ़ी को बताना मेरी ड्यूटी है। मनुष्य जीवन इस धरती पर सिर्फ 100 साल बचा है, हमको इस पर बात करनी चाहिए। अभी 200 कंट्रीज के लोग आए थे, ग्रेटर नोएडा में मीटिंग थी, 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा धरती का। ट्रंप बाहर हो गया अमेरिका का जो है प्रेसिडेंट, क्योंकि उसे पैसा देना पड़ता सोलर लगाने के लिए। अब 2 डिग्री बढ़ेगा, ना हमें खाना मिलेगा ना पानी। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी बात सुनो, ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, कोई मेरी अपनी बनाई बातें नहीं है। हर एक को पूरी मनुष्य की सृष्टि इस धरती से खत्म होने के कगार पर है, यदि हमने कोई एक्शन नहीं लिया। धन्यवाद।